राज्यसभा के मेंबर हमारे लोकप्रिय लीडर संजय सिंह जी, जिनको आज करीब 7-8 दिन हो गए ईडी ने बिना किसी केस के नजायज जो गिरफ्तार किया हुआ है। मैं संजय सिंह जी को निजी तौर पे जानता हूँ, पिछले कुछ हफ्ते उनके साथ काम करने का मौका मिला और जब देश के लोगों की आवाज उठाते हुए उनको राज्यसभा से निष्कासित किया गया तो उन्होंने घर जाने की बजाय संसद के बाहर बैठ के लोगों की लड़ाई लड़ी। और वो ऐसे नेता हैं जो सब्जी वालों की, फड़ी वालों की, रेड़ी वालों की लड़ाई लड़के आज संसद में पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी जैसे घबराई हुई है और हमारे राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल साहब जी की जो बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है, तो इस तरह के जो असंवैधानिक कार्य है ये कर रही है। सो संजय सिंह जी जो लोगों की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं और जब वो जमानत पे बाहर आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दुगनी आवाज से लोगों की बात करेंगे। वो डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है, उनका परिवार और पूरी आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम संजय सिंह जी को पूरी सपोर्ट करते हैं और जैसा भी अगला दिशा निर्देश हमें पार्टी की तरफ से आएगा तो उसी तरीके से जो संघर्ष है आने वाले दिनों में और तेज किया जाए।